सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत् ब्रह्म, जो आपने तत्वरम बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्वरम, वो तत्वरम क्या है, गीता ज्ञानदाता सर्पुरुष ने, यह सर्पुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सर्पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सर्पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसके इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सर्पुरुष के 21 ब्रह्मांड पर वो वासुदेव है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पर इंक्लूडिंग सर्पुरुष और अक्षर पुरुष इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तर्माविष्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सर्वपुरुष अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर परम तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो सर्पुरुष अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सर्पुरुष, और तीन शाखा हैं ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और पात्र रूप संसार, और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म रूपी मूल से जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे, और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुनबा का कुनबा घाणी कैंसर से पीड़ित हाहाकार माच रहा, ये परमात्मा का लोक है।
परमात्मा का लोक सतलोक है जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक तरण अवैश्य विवर्ती अवै ईश्वर है जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रैम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया, अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते यो क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखियो दास को पलकों पर बिठाएगी पूरा संसार।